तो दोस्तों आज होने वाला है बिग बॉस के घर में वीकेंड का वॉर। और दोस्तों वीकेंड के वार में हमको देखने को मिलेगा एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री सलमान खान की। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती हो गई। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि सिद्धार्थ ने कैसे जाके आसिम को गले लगा लिया। इसके बाद जो पूरी टीम थी वो पूरी अच्छे से खुश होती हुई नजर आई। दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आसिम और सिद्धार्थ ने गले मिला और वापस से उनकी दोस्ती स्टार्ट हो गई। दोस्तों बिग बॉस के फैंस के लिए सबसे अच्छी और सबसे स्पेशल मोमेंट था जब इन दोनों की दोस्ती हुई। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वहीं हम आपको बता दें कि जब इन दोनों की दोस्ती हुई और जब इन्होंने मतलब आपस में गले मिला तो साथ ही साथ पारस देख रहे थे इन दोनों को। और उस टाइम पे आसिम कहते हुए नजर आते हैं, वो देख पारस देख के कैसा मतलब कि इरिटेट हो रहा है, मतलब कि उसको गुस्सा आ रहा होगा। जी हाँ, जैसे कि बाकी जो रश्मि वगैरह ये सब हैं, इन लोग को लग रहा था कि आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती टूट गई तो अच्छा हो गया, मज़ा आ गया, अब हम लोग जल्दी से अटैक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों की दोस्ती वापस होने के वजह से पारस की मुश्किलें बढ़ जाने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आज वीकेंड के बाद में सलमान खान भी इन दोनों की दोस्ती की तारीफ करते हुए दिखने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अजीब मोड़ पे आ गई थी और दोनों ही आपस में लड़ चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम। लेकिन सलमान खान जरूर तारीफ करेंगे इन दोनों की कि तुम दोनों की दोस्ती काफ़ी बेहतरीन है। आसिम की तो तारीफ किया ही था कि आसिम खुलकर आ रहा है, अब दोस्ती की तारीफ होगी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वहीं रोज के बिग बॉस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड बाजार ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।